सिद्धू मूसेवाल की मूर्ति तैयार की है जो कि यूके दे विच जानी उन्होंने फैन वालों बनवाई गई है और जल्दी ही वह यूके विच भेज दी जाएगी। यह मूर्ति है जी यूके विच जानी है और ये हथियार के नाल कलम भी दी है जिदे हथियार के शौक भी सी और लिखन के शौक भी सी। मैं 3.5 साल की उम्र तो ही स्टैचू बना रहा, फिर मेरा भरा सुरजीत सिंह गिल वो नाल मेरे आ गया, असी उन दोनों ने हजारां च नहीं लखां दी तादाद दे विच जिहड़े स्टैचू बनाए आ जी। मेरे स्टैचू मेरे पिंड तो होंदे हुए पूरा पंजाब ला लो, हरियाणा, हिमाचल, बाकी जिहड़े भी स्टेटां दे विच कला की जिहड़ी हैगी आ वो वैल्यू आ, तो उत्थों दे प्रधानमंत्री दा घर जिहड़ा सत रेस कोर्स वाला, फिर इंग्लैंड के म्यूजियम, तो इस तो इलावा जिते जिते पंजाबी भाईचारा बैठा आल वर्ल्ड के उ मेरे स्टैचू जोड़े है वो गए हैं। अज असी मोगा के पिंड कलकलां विच खड़े हैं जिथे एक पार्क है महान देश भगत पार्क, जिथे कि हर जो अपने महान व्यक्ति है उन्हां दीआं मूर्तियां लगाईआं गईआं हन और इत्थे कलकलां दे विच देश विदेश विच नाम रोशन कुआरे मनजीत सिंह वल्लों एक नवीं जो देश विच अजकल चल रहा है सिद्धू मूसेवाले दा, सिद्धू मूसेवाले दी मूर्ति तैयार की है जो कि यूके दे विच जानी उन्हां दे फैन वल्लों बनवाई गई है और जल्दी ही वह यूके विच भेज दी जाएगी। तुहानूं तस्वीर भी दिखाउणे आ ते उन्हां दे फैन भी दिखाउणे आ जिन्ने मनजीत सिंह भी इत्थे ने, पिंड दे सरपंच भी इत्थे आए ने जिहड़े मूर्ति देखण आए ने। यह मूर्ति है जी यूके विच जानी है और ये हथियार के नाल कलम भी दी है जिदे हथियार के शौक भी सी और लिखन के शौक भी सी। तुसी देख सकते हो इत्थे उन्हां दी मूर्ति जी 7.5 फुट उच्ची मूर्ति बनाई गई है, इन्हां विच फैन भी काफ़ी आ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले का नाम सारे देश में है और इस वे साडा सरपंच साहब भी खड़े कलां दे, मनजीत सिंह भी खड़े जिन्होंने मूर्ति बनाई, इन्हां नाल गल करते हैं। सरपंच साहब तुसीं इत्थे आए हो, तुहाडे पिंड का नाम मनजीत सिंह वल्लों रोशन किया जा रहा है देश विदेश में, तुसीं की कहना चाहते हो? असीं इह है जी, देखो देश भगत नाम का यह पार्क है, सारी दुनिया के इसका नाम ना हैगा, लोग पुछते हैं कि तुहाडे पिंड महान देश भगत पार्क बनया होया उत्थे की है, जदों उन्होंने इस चीज़ बारे चानना हुंदा और रिसर्च करते हैं तो उन्होंने पता लगता कि इत्थे हिंदुस्तान के जिहड़े शहीद है महान शहीद होए उन्होंने समर्पित कीतियां गईयां। हुण जिवें कि इन्होंने सिद्धू मूसेवाले का एक बुत बनाया तकरीबन 7.5 फुट का हैगा है और उस दे विच उन्होंने बंदूक के नाल नाल कलम लाई है जिवें कि तुसीं देखिया ही है। हुण उस दे विच इह है वी कलम नाल उन्होंने लिखिया, लिखिया किस बारे आ वो कलम दे नाल ही लिखिया जा सकता और उसनू इन्होंने बड़े वधिया ढंग नाल लोकां दे सामने लियांदा। असीं मनजीत जी का भी इन्हां दे ब्रदर का भी धन्नवाद करते हैं कि समूह नगर का पिंड कलकलां का नाम इन्होंने पूरी दुनिया के रोशन किया। मनजीत सिंह जी, तुसीं सिद्धू मूसेवाले की फैन दे कहंदे पर जिहड़ी बनाई है मूर्ति बनाई है ये इंग्लैंड जानी है, तुसीं होर मूर्तियां जिहड़ियां बनाईयां कित्थे कित्थे गईयां ते कदों तों तुसीं बनावा रहे हो? जी जिहड़ी सिद्धू मूसेवाला दा स्टैचू बनाया ये इंग्लैंड जाएगा क्योंकि उन्होंने प्रशंसकों ने सानू जिहड़ा उत्साहित किया कि सानू बना के दिओ स्टैचू जिहड़ा असीं इत्थे इंग्लैंड दे विच लगाउणा। बाकी जिहड़ा तुसीं पुछिया कि होर की स्टैचू, क्योंकि मैं 3.5 साल की उम्र तो ही स्टैचू बना रहा, फिर मेरा भरा सुरजीत सिंह गिल वो नाल मेरे आ गया, असीं हुण दोनों ने हजारां च नहीं लखां की तादाद दे विच जिहड़े स्टैचू बनाए आ, पर ज़्यादा असीं देश भगतों तो ही प्रेरित रहे हैं जी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, चंद्र शेखर, इन्ह सारिया के जीवन का साढ़े उपर असर है तो असी ज़्यादातर उन्होंने जीवनी तो प्रेरित होकर ही जिहड़े महान देश भगतों के स्टैचू बना रहे हैं। ये जिहड़ा महान देश भगत पार्क का नाम जिहड़ा है तुहाडे मन च किस तरह आया? क्योंकि जिहड़े देश भगत हमेशा महान हैगे आ ते उन्हां दे नाम दे नाम तो प्रेरित होकर ही इहदा नाम महान देश भगत पार्क कलकलां रखिया गया जी। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਸਟੈਚੂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।
बिल्कुल जी, मनजीत सिंह जी ने कहना जिहड़े इन्हां दे हैगे आ स्टैचू बने आ देश विदेश विच गए और पूरा नाम इन्हां ने कमाया हैगा। आने वाले समय दे विच वी इह जिहड़े हैगे देश भगतां दे जिहड़े स्टैचू आ बणाउंदे रहणगे अते अपने देश दा नाम रोशन करनगे। पंजाबी लोक चैनल लई संजीव कुमार अरोड़ा।